हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास आए एप्पल का एयरबड्स ठीक होने के लिए। दोस्तों तो इसको करेंगे ठीक, आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इसको खोलेंगे, कैसे भिड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो इसमें दिक्कत क्या आ चुकी है दोस्तों, इसमें लो साउंड की प्रॉब्लम आ चुकी है दोस्तों। इसमें आवाज़ बहुत कम आती है, जब भी हम गाने चलाते हैं तो पता भी लगता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा दोस्तों, सही तरह आवाज़ नहीं आती। तो आज आपको ये तरीका बताने वाले हैं इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों, बिना इसके स्पीकर डाले इसको ठीक करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों हैं, इनमें काफ़ी कम आवाज़ आ रही है, जो कि हमने इसको चेक किया था अच्छी तरह, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो इसको दिखाएंगे इसमें क्या दिक्कत आ सकती है और आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, आप खुद भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको तरीका भी बताएंगे और करके भी दिखाएंगे ठीक इसको। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों, वीडियो कम्प्लीट देखना तभी आपको पता लगेगा कैसे हम इसको ठीक करने वाले हैं दोस्तों। तो इसको दिखाएंगे कि एप्पल का है दोस्तों, ये बिल्कुल सेफली खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी पत्ते होते हैं, पत्ता सिस्टम होता है दोस्तों। तो आपको ये देखिए दोस्तों, ये आपको जाली दिख रही होगी इसकी, ये जाली, तो इस पर काफ़ी सारा कार्बन गंद और मिट्टी धूल जो भी लगा लो आप दोस्तों, वो जम चुका है दोस्तों। तो देखिए आपको दिख ही रहा होगा, तो इसको देखिए एक बार चिमटी से खोज के दिखाता हूँ मैं, चिमटी से खोज के देखने से देखिए देखिए दोस्तों, आपको पता लग रहा होगा इस पर कितनी जमा हो चुकी है मैल है जो कि। तो इसको हम साफ़ कर लेंगे यहाँ से दोस्तों, आपको दिखाएंगे साफ़ करके। और एक ये चीज़ है दोस्तों, ये भी अपना इस पर भी जाली पर भी काफ़ी लग चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपका ये एयरबड्स ख़राब हो तो आप इनको एक बार ऊपर से साफ़ करके अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, इसको ये दूसरे वाला है दोस्तों, देखिए इस पर कितनी है। तो इसको ऐसे साफ़ कर लेंगे दोस्तों अच्छी तरह, जब आपको लगे ये साफ़ हो चुका है, और फिर जो बीच में दिया गया इसका जाली उसको भी साफ़ कर लेंगे। दोनों साफ़ करके आप इसको चला के देखें, अगर आपको लगे कि भैया हाँ ठीक है आवाज़ अच्छी साफ़ हो चुकी है तो ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ से काम ना चले तो फिर इसको अंदर से खोलना पड़ेगा, तो भी दिखाऊंगा दोस्तों इसको कैसे खोल सकते हैं। और इसको जब चिमटी से आप साफ़ करो तो भूस के साथ भी अच्छी तरह रगड़े, जिससे कि इसकी जो धूल मिट्टी इसकी जो जाली होती है, जाली के अंदर घुसी होती है, वो भी निकल आएगी। ऊपर से साफ़ कर ही दिया चिमटी के साथ, और भूस मारने जो अंदर से निकल आएगी दोस्तों, लेकिन जो उसके अंदर जमा हो चुकी है उसको कैसे निकाल लें, यही बात है दोस्तों। इसको खोलेंगे, इसके लिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे खोलना है दोस्तों। जैसे कि इस पर मैंने पेचकस से हल्की हल्की चोट मारी दोस्तों, ज़्यादा जोर की भी मारना, अगर ज़्यादा जोर से मारोगे तो ये टूट सकती है इसकी बॉडी ऊपर से प्लास्टिक की। तो इसको बिल्कुल पेचकस से हल्का हल्का आराम से खोल लेंगे दोस्तों, जिससे कि इसमें गैप आना स्टार्ट हो जाएगा। और गैप आने के बाद आपको नाखून से या ओपनर से ब्लेड से किसी भी चीज़ से इसको ऐसे घुमा के चारों तरफ से इसको खोल सकते हैं। तो जैसे कि आपने को दिखा रहा हूँ मैं, ये चीज़ अपने खोल लिया। तो दोस्तों देखिए ये है जो कि खुल चुका है, अब इसको हम करेंगे ठीक, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं क्योंकि इसमें आईसीए वगैरह काफ़ी है दोस्तों। देखिए डॉइड वगैरह और उसमें नहीं होते दोस्तों, इसमें प्लेट यहाँ पे दे रखी है, और अंदर भी दोस्तों काफ़ी बड़ी आईसी लगा रखी है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी साउंड आती है दोस्तों एप्पल की, और ख़राब भी बहुत कम चांस होते हैं इसके होने के। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कितनी आईसी हैं, इसमें अलग ही चीज़ दी गई है। तो अब इसको साफ़ करना है दोस्तों अंदर से, तो इसको अंदर से साफ़ करने के लिए आपको दोस्तों ये देखिए ये उतारना पड़ेगा। तो इसको उतारने से पहले इस पर देखिए गम लगी हुई है चारों तरफ, इस गम को अच्छी तरह खोज लेंगे। और ये इसका पत्ता है देखिए दोस्तों, यहाँ भी पत्ता दिया और यहाँ भी पत्ता, दो पत्ते हैं इसमें दोस्तों। इन पत्ते को भी बचा के रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर ये थोड़े से भी क्रैक होते हैं तो ये फिर चलते चलना ही बंद हो जाएगा दोस्तों, जबकि अब थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन फिर बंद हो सकता है। तो इस करके इसको सेफली खोल लेंगे बिल्कुल, इनका पत्तों का ध्यान रखेंगे, पत्ते क्रैक ना हो पाएँ और ना टूट पाएँ दोस्तों। तो जो साइड में आवाज़ आ रही होगी उसको इग्नोर करना दोस्तों, आप सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान रखना कि हमको इसको कैसे ठीक करना है दोस्तों। तो अब देखिए इसकी जो ये है, हमने सर्जिकल ब्लेड डालना है और इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे दोस्तों, और ब्लेड भी इस हिसाब से डालना है कि अगर काफ़ी आगे मत डालना दोस्तों, नहीं तो इसका जो स्पीकर है उस पर ब्लेड लग जाएगा तो भी आवाज़ ख़राब हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ से थोड़ी थोड़ी ये इसको उतार लेंगे, काफ़ी टाइम में खुलता है दोस्तों, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको खोलते खोलते दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ही सील दी गई होती है इस पर, और रही टेप वगैरह रबड़ वगैरह चढ़ाई होती है इसमें, गम लगाई होती है, इनको उतारने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इनको उतार के अच्छी तरह, जब इसको एक बार अच्छी तरह उतार लेंगे फिर इसको स्पीकर को खोल लेंगे दोस्तों। तो खोलते हैं देखते हैं, खोल के इसको सेफली खोलना है हमें, तो आराम आराम से खोल लेंगे इसको, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, जब भी वीडियो दोस्तों लंबी हो जाती है रिपेयर करते हुए। तो देखिए हमने स्पीकर को खोल लिया, इसका स्पीकर भी और तरह का दिया हुआ है दोस्तों, काफ़ी अच्छी साउंड आती है इसकी, बेस वगैरह बहुत बढ़िया है, तो जो कि हमने इसको जब ठीक करके बाद में सुना था तो काफ़ी अच्छी आवाज़ थी। तो अब यहाँ पे एक पत्ता है उसका ध्यान रखना दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो पत्ता है उसका ध्यान रखना, कभी वो ना टूट जाए, क्योंकि आगे थोड़ा सेंसर वगैरह काम करता होगा, जैसे कि हम कान में लगाते हैं और ये गाने स्टॉप होने का प्ले होने का काम करता है। तो देखिए अब इसको आपको दिखाएंगे साफ करके, तो आपको अंदर जाली दिख रही होंगी, तो उनको साफ़ करेंगे, थोड़ा इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह खुल जाए और इसको हम ठीक कर सके दोस्तों। तो आपको दिखाता हूँ जाली के अंदर कितना है, अंदर भी इसके अंदर काफ़ी मैल जमा है जैसे कि ये है, तो क्योंकि हम जब बाहर से खुजते हैं तो वो कुछ अंदर भी चला जाता है, और अंदर वैसे भी क्या होता है क्योंकि स्पीकर होता है, मैग्नेट होता है, जब उसमें साउंड चलता है तो वो आगे पीछे उसको खींचेगा,
दोस्तों, उससे भी जो धूल के कण होते हैं वो अंदर की तरफ खींच लेता है और वो स्पीकर भी चिपक जाते हैं और ये जाली है अंदर से ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण की आवाज़ बिल्कुल धीरे धीरे पहले थोड़ी कम होएगी, फिर और कम होएगी, फिर और कम होएगी, ऐसे ऐसे कम होती चली जाएगी दोस्तों। तो इसलिए इसको हम देखिए अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो जो एक इसके अंदर दो जालियाँ हैं, एक तो लोहे की जाली है दोस्तों और एक पीछे है जो वो कपड़े की जाली होती है, वो भी ख़राब हो चुकी है। तो उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा बहुत खुर्च के उसको निकाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह निकल जाए और एक ही जाली से काम चलता रहेगा दोस्तों। तो इसको थोड़ा बहुत खुर्च के काट के अलग कर लेंगे और इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे दोस्तों। आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे साफ़ हो रही है दोस्तों, बिल्कुल इसके अंदर काफ़ी मिट्टी गई हुई है जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही साउंड कम हो जाती है दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे दोस्तों, और साफ़ करने के बाद हल्का हल्का यहाँ से जो आपको ये दिखेगा कपड़ा रुए से दिखेंगे, इनको अच्छी तरह पकड़ के चिमटी से खींच लेंगे ताकि और मिट्टी वगैरह साफ हो जाए। तो आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके, देखिए दोस्तों थोड़ा साफ़ करके, तो इसके अंदर काफ़ी धूल मिट्टी गई कन गई हुई है दोस्तों, और ये जाली का कपड़ा भी जो कि ख़राब हो चुका है, इसको भी अच्छी तरह निकाल लेंगे ऐसे बाहर और साफ़ कर लेंगे। और जो स्पीकर है इसको भी अच्छी तरह एक बार ब्रश से हल्का सा या कपड़े से साफ़ कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों जाली इसकी कितनी साफ़ हो चुकी है दोस्तों, और ये दूसरे वाला है तो इसको भी हमने बाहर से तो साफ़ कर लिया था, और इसको भी खोल के अंदर से साफ़ करेंगे। इसको भी दिखाएंगे कैसे खोल सकते हैं और कैसे सेफली करेंगे, तो कुछ कुछ पार्ट्स उसमें दिखा देंगे आपको। बाकी इसको अच्छी तरह, इसका स्पीकर है इसको अच्छी तरह लगा लेंगे इसमें और दबा के अच्छी तरह फिट कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो कोई गम वगैरह लगाना तो गम भी लगा सकते हैं दोस्तों, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा गम लगाने से कि साउंड थोड़ी अच्छी आएगी दोस्तों। और इसको फिट कर लेंगे तो जो कि दबा के आराम से फिट हो चुका है, तो हमारा ये फर्श तो ठीक हो चुका है। अब इसको खोलते हैं, अगर दोस्तों अगर चोट मारने से ना खुले तो दूसरा तरीका भी है, तो उसको हमें क्या करना है, ये सर्जिकल ब्लेड लेंगे और इसकी जो ये साइड में गैप दिया गया है, लाइनें दी गई हैं, इसमें हल्का हल्का दबाएंगे जिससे कि चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करते चले जाएंगे, जिससे कि इसका ये गैप है खुलना स्टार्ट हो जाएगा, लोक अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप नाखून से अपने इसके साइडों में चारों तरफ घुमाओगे तो इसका ये ढक्कन है जो बिल्कुल अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको फटाफट यहाँ से हम कर लेते हैं, देखिए तैयार। तो दोस्तों देखिए अब इसको ना बिल्कुल आराम से नाखून के साथ खोल लेंगे, और बिल्कुल आराम से खोल लेंगे क्योंकि हमें ये नहीं अंदर पता किस साइड से और किस साइड से, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप दो चार बार इसको खोलोगे तो आपको अंदाज़ा होने लग जाएगा दोस्तों कि इसका पत्ता कौन सी साइड है। तो देखिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा उठा रहे हैं, तो इसके अंदर गम लगी हुई है काफ़ी, तो इस गम को भी आराम से खोल लेंगे। तो दोस्तों ये जो गम होती है ये पत्तों पर भी चिपकी होती है, इसलिए बिल्कुल आराम से खोलना हमें। तो इसको देखिए बिल्कुल खोल लिया हमें यहाँ से, और थोड़ी थोड़ी और गम है उसको भी उतारते जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों, फिर भी काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो, कोई नहीं आप देखना, बिल्कुल आपको देखने से काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे कि आप इसको आप घर पर ठीक कर सकते हैं जो आपके एयरबड्स होते हैं एप्पल के। तो इसको फटाफट हम यहाँ से देखिए हमने उतार लिया यहाँ से, तो अंदर ये देखिए आपको पत्ता बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल बारीक सा पतला सा पत्ता है दोस्तों, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो अब इसको हम करते हैं ठीक, आपको दिखाते हैं एक बार, तो अंदर इसके कितनी मैल जमी हुई है दोस्तों, देखिए आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी, और कपड़े के ऊपर भी। तो इसको यहाँ पे खुर्च के इसका जो जाली वाला कपड़ा है वो उसको उतार लेंगे। तो देखिए तो हमने इसको स्पीकर को भी साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह, और ये जाली तो बिल्कुल सही तरह इनको उसको साफ़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब साफ़ हो जाएगा तो फिर साउंड ऑटोमेटिक अच्छी आएगी दोस्तों, क्योंकि जब बंद ही हो गया, जब रास्ता ही नहीं होगा बाहर साउंड आने का तो क्या साउंड आएगी, जब अच्छी तरह रास्ता खुल जाएगा तो साउंड बिल्कुल बढ़िया आएगी और आवाज़ भी अच्छी बनेगी। तो इसको फटाफट हम साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करके आपको दिखाते हैं इसको, देखिए दोस्तों ये साफ़ हो चुका है। अब इसका आपको नीचे से दिखाएंगे, तो ये देखिए ये जो हमारा सर्जिकल ब्लेड का हैंडल है ये नीचे घुमा रहे हैं, और ये पेचकस और जाली में से आपको साफ़ दिख रहा होगा, ये पेचकस वगैरह साफ़ अच्छी तरह दिख रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को दबा के दोस्तों ऑल पे भी क्लिक करें घंटे वाले को दबा के दोस्तों। तो देखिए तो अब इसको फिट कर लेते हैं, और फिट करना बिल्कुल आसान है, आपको मैंने पहले भी दिखाया था और इसमें भी फिट कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।